आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है आपका सोलर सेल। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर एक है आपका 50 वाट का सोलर सेल। एंड हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस सोलर सेल को कैसे टेस्ट किया जाए कि आखिर में ये 50 वाट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो कैसे इसको टेस्ट किया जाए ये पूरा मुद्दे के ऊपर हम लोग ये वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों पूरा इस वीडियो को देखना, आप लोग बहुत कुछ जान पाएंगे सोलर सेल के ऊपर कैसे टेस्ट किया जाता है ये सब कुछ के बारे में। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना कहाँ से आप ये सोलर सेल परचेस कर पाएंगे, वो भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन पे, और बहुत कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी ये एक 12 वोल्ट का मोटर और देख रहे हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हवा आ रही है इसमें। तो जस्ट मैंने सोलर सेल के साथ ये मोटर को कनेक्ट कर दिया एंड देख रहे हैं दोस्तों बहुत ही पावरफुल। एंड दोस्तों वन मेन बात कि अभी चल रहा है यहाँ पर विंटर सीजन चल रहा है इंडिया में। तो जब मैंने ये सोलर सेल टेस्ट किया विंटर सीजन में है एंड आपका दोपहर को 12 बजे मैंने स्टार्ट किया इसका टेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारा पूरा सोलर सेल, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बाय किया था। आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ सोलर सेल कैसा है पूरा। ये देख रहे हैं दोस्तों इसका साइज है 53x45 सेंटीमीटर, बहुत ही बड़ा है इसका साइज। और पूरा आपका चारों तरफ मेटल से प्रोटेक्ट भी है और इसके ऊपर एक ग्लास का कोटिंग है तो कोई डस्ट मार्क जैसे अंदर नहीं घुसेगा इसका। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि सोलर सेल के साथ कैसे वायर कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए दोस्तों मैक्सिमम पावर लिखा हुआ है यहाँ पर 50 वाट। एंड दोस्तों ये है इसका मॉडल नेम नाम मॉडल नंबर ये रहा इसका। सोलर सेल के ऊपर भी मॉडल नंबर लिखा हुआ रहता है, ऊपर इधर में इसका बारकोड भी दिया हुआ है सोलर सेल का। और इसका ग्राउंड का कनेक्शन भी मैं दिखा दे रहा हूँ, जब बहुत ज़्यादा करंट होता है तो ग्राउंड को कनेक्ट करना पड़ता है। ये देखिए इसका ग्राउंड का कनेक्शन के लिए ये दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहले इसका वायरिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसा वायरिंग करना चाहिए। तो पहले जो ये नॉब है इसको आपको करना पड़ेगा ओपन, मगर नया खरीदेंगे तो ठीक है, अगर वो पुराना हो जाए एक दो महीना तीन महीना तो ये जाम हो जाता है और नहीं खुलता। तो आपको थोड़ा सा ऊपर से क्लिप आता है तो उसको अगर थोड़ा प्रेस करेंगे स्क्रू ड्राइवर से तो ये आसानी से खुल जाएगा। देखिए दोस्तों जैसा नहीं हो रहा था तो मैंने स्क्रू ड्राइवर से ऊपर से थोड़ा सा प्रेस किया, क्लिप टाइप का होता है तो वो आसानी से खुल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जान लेना होगा। तो इसके लिए आपको मैं जानता हूँ इसका पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, राइट साइड में इसका पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में इसका नेगेटिव है। तो वो पहले आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि कौन सा टाइप पॉजिटिव है कौन सा साइड नेगेटिव है, वैसे आपको आपको इससे वायर को कनेक्ट कर देना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा वायर लेके टेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का वायर लेना, मिनिमम 1 mm का वायर तो ज़रूर यूज़ करना क्योंकि सोलर सेल से कंटिन्यूस आपका हर मतलब दोपहर के टाइम में कंटिन्यूस करंट फ्लो रहेगा तो अच्छा क्वालिटी का वायर यूज़ करना ही सबसे बढ़िया बात होगा। तो दोस्तों देखिए अटैचमेंट हो गया वायर का। अब हम लोग इस वीडियो में जो करेंगे हम लोग पहले इसका ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करेंगे, जो इसका मैक्सिमम वोल्टेज जो सोलर सेल हम लोगों को प्रोवाइड कर सकता है वो वोल्टेज। एंड दोस्तों उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका मैक्सिमम कितना करंट दे पा रहा है ये सोलर सेल, मतलब आपका शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया और जो करंट हो गया इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकलेगा पावर, कितना मैक्सिमम पावर सोलर सेल दे पाता है। तो ये मैक्सिमम पावर है आपका, मतलब जब बढ़िया धूप रहेगा बढ़िया इंक्लाइनेशन रहेगा सोलर सेल का तभी ये दे पाएगा, नहीं तो ये नहीं दे पाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले इसका वोल्टेज चेक किया जाएगा।
तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर, नया मल्टीमीटर मैंने लिया था, तो इससे हम लोग चेक करेंगे। तो पहले जो करना होगा कि ब्लैक वायर को हमको कॉमन में देना होगा, एंड अब जो रेड वायर है वो हमको वोल्टेज या ओम जो है उस साइन पे दे देना होगा। तो चलिए दोस्तों 200 वोल्ट पे सेट कीजिएगा, क्योंकि सोलर सेल का वोल्टेज 20 से ज़्यादा ही देता है ये। तो ये रहा ओपन सर्किट वोल्टेज, तो चलिए मेजर कर लेते हैं कितना होता है अभी। तो देख रहे हैं सूरज भी है इधर के इधर में, तो चलिए वोल्टेज देख लेते हैं कितना होता है। कनेक्शन बहुत ही इजी है, बस आपका दोनों टर्मिनल जो है मल्टीमीटर का उसको कनेक्ट कर देना है सोलर सेल से निकला हुआ दोनों वायर से। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। बस अब देखिए जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों 20.8 वोल्ट आ रहा है अभी, दोपहर के 12 बजे है अभी, 20.8 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा वोल्टेज 20.8 वोल्ट। तो दोस्तों देख रहे हैं कि जो इंक्लाइनेशन मैंने दिया है सोलर सेल का वो ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग उसको थोड़ा इंक्लाइन और करेंगे, मीन्स इसका एंगल थोड़ा ज़्यादा करेंगे। तो देखना दोस्तों वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो जैसा देख रहे हैं दोस्तों हम इसको और इंक्लाइन कर रहा है, तो देखना 21 वोल्ट हो गया हमारा 20.8 वोल्ट से, अभी बहुत कम हो गया। अभी देखिए अभी 20.5 हो गया। तो दोस्तों ऐसे आप चेक कर पाएंगे कि कौन से एंगल पे सबसे बढ़िया और मैक्सिमम करंट आउटपुट ये देगा। तो वैसे आप आपके घर पे सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर देखा 21 वोल्टेज था तभी, तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा घर पे कि कौन सा वोल्टेज में ये सही रहेगा, कौन सा इंक्लिनेशन अच्छा रहेगा। वैसे तो मैक्सिमम वोल्टेज हमारा आ गया 20.8 और आपका 21 वोल्ट। तो चलिए अभी हम लोग मेजर कर लेंगे शॉर्ट सर्किट करंट। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 20 एम्पियर का साइन दिया हुआ है, तो उधर पे मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा 200 मिली एम से तो ज़्यादा ही होगा करंट सोलर सेल का, और मैं 20 एम पे इसको सेट कर दे रहा हूँ डीसी करंट 20 एम्स। तो दोस्तों इसमें भी कनेक्शन एकदम सिंपल है, आपका पास मल्टीमीटर के दोनों वायर से आपका सोलर सेल का दोनों वायर कनेक्ट कर देना है। और मगर एक बार आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि शॉर्ट सर्किट करंट ज़्यादा टाइम तक मत चेक करिए, 5-6 सेकेंड चेक करके छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपका सोलर सेल का नुकसान हो सकता है। तो चलिए ये रहा आपका शॉर्ट सर्किट करंट जो मैक्सिमम करंट आता है, और जो हम लोग देख रहे हैं वो अभी आया है आपका 0.83 एम्प्स आ रहा है अभी। एंड अब हम लोग इसके इंक्लाइनेशन भी चेंज करके देखेंगे कि करंट कैसे चेंज होता है इसका। तो दोस्तों अभी तो मेरे पास दो ही सोलर सेल है, एक आपका 50 वाट और दूसरा जो राइट साइड पे थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे हो वो है आपका 10 वाट का। तो देखिए दोस्तों मैक्सिमम इंक्लाइनेशन होने पर 1 एम्प तक करंट मेरा आ रहा है। अब जब पूरा इंक्लाइन था तब मेरा आ रहा था सिर्फ 0.8, तो 200 मिली एम का मेरा नुकसान हो रहा था, तो इसलिए इंक्लाइनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आप थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखते हैं कोई एक और दूसरा कोई चीज़ को, जैसे कि यह है आपका RS-775 मोटर, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एक डीसी मोटर है आपका, ड्यूल सेट या आपका ग्राइंडिंग मशीन इससे बहुत ही यूज होता है। तो देख रहे दोस्तों बहुत ही पावर दे पा रहा है ये मोटर सोलर सेल के साथ कनेक्ट करने पर। बहुत ही अच्छा सोलर सेल है। तो चलिए दोस्तों आप चेक करते हैं कितना पावर हम लोगों को मिला, जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों हम लोगों को वहाँ पर 21 वोल्ट मिला और 1 एम तक करंट मिला, तो हमारा टोटल जो पावर हो गया वो हमारा हुआ 21 वाट। मगर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सोलर सेल है आपका 50 वाट का और हम लोगों को बस मिला 21 वाट, क्योंकि दोस्तों ये आप विंटर सीजन चल रहा है तो सन का जो आपका रेडिएशन हुआ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, इसके लिए आपका 50% से भी कम मिल रहा है। मगर जब आपका समर सीज़न चलता है तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी रहता है, करीब आपका
टू एम्स से लेकर 2.3 टू 2.4 एम्स तक हम लोगों को करंट मिल जाता है, जो मैंने चेक किया था। तो आपका 40 वाट तो मिनिमम हुआ, आप 50 वाट नहीं रीच कर पाता है। तो दोस्तों आखिर में, अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।